My girlfriend, Mariam, I love you. How you met Mariam? 4 years ago. Oh, wow. You have dual nationality, US and Iran. Oh, yeah. And ईरान में तो अल्कोहल बैंड है, बाकी अब मैं क्या बोलूं। 50 किलोमीटर पहले उतर गया हूं क्योंकि यहां पर किसी ने मेरे को इनवाइट किया हुआ है। आई डोंट नो क्या होने वाला है। ज्यादातर घर मटके हैं, सैंड के हैं। पर्शियन लोगों की हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट लेवल। फॉर वुमेन। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु और अभी मैं हूँ इस्फहान में, द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन ईरान। और एग्जैक्टली अभी मैं अपने होस्ट के घर पे हूँ। आप लोगों को कुछ बात बताना है और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ अगली सिटी के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है। और वो सिटी मैं आपको बताऊंगा अभी, वो एकदम एग्जैक्ट ईरान के सेंटर में पड़ती है। एक्चुअली मैं इस्फहान में दो होस्ट के यहाँ रुका था। एक दिन मैं रुका था परिसा के यहाँ, जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाया था, और उनको फिर कहीं जाना पड़ गया तो मैं उनके यहाँ ज़्यादा रुक नहीं पाया। तो फिर मैं अगले होस्ट के यहाँ आया था। ये होस्ट काफ़ी डिफरेंट है बाकी सब होस्ट से। सर, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अब्बास। या अब्बास, 5 years। तो ये मेरी अमेजिंग होस्ट हैं इस्फहान में, इनके यहाँ मैं 2 दिन रुका था और बहुत ही अच्छा फील मेरे को हुआ इनके यहाँ पे। अब्बास जी सर। या तो शी इज मरियम, शी इज माई फियांसे, माय गर्लफ्रेंड, माय फियांसे। तो ये मेरे होस्ट की फियांसे हैं, गर्लफ्रेंड है, आप कुछ भी बोल सकते हो। मैरियम, आई लव यू। आई लव यू। तो ये दाई है, फारसी में अंकल को दाई बोलते हैं। यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी जेंटल, एंड इंशाल्लाह If I come to India, sure. I call you. You're always welcome to India. If you give me your phone number. Why not? I already given you my phone number. I'm teasing. You are always welcome to my home. I will wait for you in India. You are very nice. You are very nice, very gentle. दाई के बारे में कुछ बात आप लोगों को बतानी है। He is 82 years old. And how many years you have lived in US? 55. तो 55 years in California. California. तो ये 55 ईयर्स यूएस में रह चुके हैं। इनके पास दो पासपोर्ट एक्चुअली, वन फ्रॉम यूएस एंड वन फ्रॉम ईआर। यू हैव डुअल नेशनैलिटी, यूएस एंड ईरान। ओह या, आई हैव टू नेशनैलिटी। या, ही हैज टू नेशनैलिटी एंड अमेरिका। अमेरिकन। एंड यू वर बॉर्न इन पहलवी डायनेस्टी, राइट? आई वाज बोर्न इन इस्लाम। ओह, ड्यूरिंग पहलवी। पहलवी फर्स्ट। या, पहलवी फर्स्ट। His father, Reza Shah. Reza Shah. After that, you studied in Tehran. I went to Tehran University, finished university in psychology. Psychology. Ravishanasi. And then I went to California for my master's degree. What I see from you here, gentlemen, I had friends in America from India, but I never lived like here. Very natural, very good. And I really enjoyed with you. You are very nice. Thank you so much. Very good relation, friendship, everything. And you are a good gentleman. Thank you so much, Dai. You're very welcome. You are like my son. I have only one son. His name is Shahram. He's 45 years old. And I love him. And you are like my son. I love you too. She's my fiance, Miss Mariam. I love her too. Mesut, please. तो ये दूसरे यहाँ पे काउसर फर है जो यहाँ पे रह रहे हैं दाई के साथ। He's from Turkey. Hi, it's India's friends. तो इनके साथ मैं काफी टाइम रहा, 2 दिन रहा, इनके साथ काफी बातें हुई। He's very good man, very gentle man. Thank you so much. You too. Nice to meet you. See me, brother. I want to come India. I very really want. I will come welcome. One day. Dai, mashallah, Dai. I love you, Dai. Everyone love Dai. Yes. Me love Dai. You love Dai. She love Dai. Yes. Everyone. I love everybody. Don't forget, she's my fiance. Little different. We are your first guest, right? तो मैं और मेसूद दाई के पहले गेस्ट हैं काउच सर्फिंग के थ्रू। एक्चुअली इनकी नीज है जो इनका काउच सर्फिंग अकाउंट को यूज करती है, उनके थ्रू हम लोग इनसे मिले, इनके यहाँ रुके। You also from Isfahan. And how you met Mariam? How did I meet? Yeah, how did you meet Mariam? 4 years ago. 4 years ago. Oh, wow. I met her in Shamari, Iran. Shamari. By ocean. By ocean. I saw her over there, and from there
bad. Yes. Oh. I call it 80 and 40. 80 and 40. What does it mean? I 80 years old, 40 years old, my baby. Oh, you're 80 years old, she's 4 years old. Okay. Yeah. I call it 80-40. Okay. She's like my baby. I love her. तो कुछ ऐसा दाई का घर है देखो आप लोग बहुत ज्यादा लग्जरियस बहुत ब्यूटीफुल घर है इनका देख सकते हो मिस्टर मसूद यू हैव लिव्ड जस्ट 27 इयर्स इन ईरान 27 यू हैव लिव्ड मोर इन यूएस यू हैव मोर देन माय लाइफ इन यूएस यस मोर देन द डबल ऑफ ईरान यू हैव लिव्ड इन यूएस या मेजबानी खेली खूब मेजबानी थैंक यू यू वेलकम एनी टाइम थैंक यू सो मच दाई तो अब टाइम है यहाँ से निकलने का यार मेरी 1 घंटे बाद बस है मैं आप लोगों को निकल के बताता हूँ उसकी डिटेल क्या है कैसी है थैंक यू सो मच दाई यू वेरी वेलकम माय फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग वेरी वेलकम मरियम इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू थैंक यू सो मच अंकल थैंक यू दाई एनी टाइम या खुदा हाफिज आई हैव योर फोन या हैव माय फोन या आई विल मैसेज यू एंड यू पुट योर नेम ऑन इट यस सी यू ब्रो नाइस टू मीट यू सी यू ब्रो Have a trip. Yes, bro. I wish your trip. I wish to meet you very soon, bro. Yes. Have a nice trip, bro. Nice to meet you. Bye, bye, bye. You are a good man. Thank you so much. Thank you. You're also a very good man. Thank you. Dai, I love you. I love you too. Thank you very much. Bye, bye, bye. So, yaar, ye apni taxi aa gayi snap ke through. Musafir. Sofa. Durbin. Durbin. Esma. Arhat. Khoja. Isfahan. My name is Hendam. Hendam. Hi. Namaste. Raj Kapoor. Hindiya hai, Hindiya hai, mera jism ko. Khoja Mukhaveri, Shiraz. Yes. Sofe. तो आपको सामने जो माउंटेन दिख रहा है ये सोफे माउंटेन है जो हाईएस्ट पीक है समझ सकते हो इस्फहान की अगर आप वहाँ जाओगे तो पूरा इस्फहान सिटी वहाँ से दिखता है क्योंकि ईरान की करेंसी काफ़ी ज़्यादा वीक है तो यहाँ सब चीज़ का बिल लाखों में आता है इस टैक्सी का बिल है 2 लाख रियाल और क्योंकि ईरान में पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा सस्ता है तो टैक्सी भी बहुत सस्ते मिल जाती है मेरे होस्ट के घर से जहाँ मैं जा रहा हूँ बस स्टेशन लगभग 15 किलोमीटर है और इसका 2 लाख लग रहा है यानी रुपये में हो गया सिर्फ 50-60 रुपीज़ के आसपास पर किलोमीटर टैक्सी पड़ी 5 रुपए से भी कम और ईरान में तेहरान के अलावा जो बाकी बड़ी सिटीज हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही लिमिटेड है सिर्फ कुछ मेन स्पॉट्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है क्योंकि टैक्सी बहुत ज़्यादा सस्ती है तो मैक्सिमम लोग टैक्सी ही प्रीफर करते हैं जल्दी आ भी जाती है और चाहे एक लोग जाओ चाहे कई लोग जाओ पैसे सेम लगते हैं तो एक तरीके का टैक्सी ही यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सारे रोड चाहे सिटी के अंदर हो चाहे हाईवे के हो एक नंबर के रोड कई सारे फ्लाईओवर है कई सारे और आप लोगों को एक बात जान के हैरानी होगी ऑल्दो इनकी करेंसी बहुत ज़्यादा वीक है इनफैक्ट वन ऑफ द भी नहीं लोवेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड इस समय हो चुकी है बट जो ईरान की इकोनॉमी है ना वो अपर मिडिल इनकम पे रैंक करती है और आपको एक बात और जान के बहुत हैरानी होगी कि ईरान की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ऑलमोस्ट डबल है जी हाँ तो देख लो भाई हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है हर जगह फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है रोड्स एकदम परफेक्ट कंडीशन में फ्लाईओवर एकदम परफेक्ट कंडीशन में हर जगह स्ट्रीट लाइट कोई चीज़ कमी नहीं है मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम यूरोपियन है बट कंपेयर टू अगर एशियन कंट्रीज एटलीस्ट कंपेयर टू साउथ एशियन कंट्रीज काफ़ी सही है यार ईरान हर जगह टैक्सी यही इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है टैक्सी ही तो मैं इस्फहान के बस स्टेशन पहुँच गया हूँ एक्चुअली इस्फहान बहुत बड़ी सिटी है तो यहाँ पे टोटल 4 बस स्टेशन है अलग अलग डायरेक्शन में ईस्ट में वेस्ट में साउथ में नॉर्थ में जैसे कि हर बड़ी सिटीज़ में होता है और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो उतना फ्रीक्वेंट लोकेशन नहीं है लोग बहुत ही कम जाते हैं इस्फहान से या तो लोग तेहरान जाते हैं या शिराज जाते हैं तो आपको पहले ऑनलाइन टाइम टेबल पर चेक करना पड़ेगा कि किस बस स्टेशन से बस जा रही है क्योंकि हर स्टेशन से बस 4-5 घंटे गैप पे है अब आप बंद करके अगर किसी एक पे आ जाओगे ना तो फिर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा वहाँ पे टाइम लिखा होगा 11:30 अब मेरी बस 12:30 बजे की अभी मेरे पास 1 घंटे हैं मैं टाइम से पहुँच गया हूँ मेरे को लगा शायद 15 किलोमीटर टाइम लग जाएगा लेकिन इतनी बढ़िया रोड्स थी मैं 10 मिनट में ही यहाँ पहुँच गया हूँ तो यार अभी मैं सोफे बस टर्मिनल के अंदर हूँ काफ़ी सही ये टर्मिनल है और क्योंकि ये टर्मिनल सोफे माउंटेन के पास है इसलिए इसका नाम भी सोफे टर्मिनल ही पड़ा है ये इस्फहान के साउथ में पड़ता है मैं जो अगली सिटी जा रहा हूँ
वो इस्फहान के साउथ ईस्ट में है, उसका नाम है यास, लगभग 300 किलोमीटर है। और आप देख सकते हो काफ़ी सही ये बस का टर्मिनल है, लग ही नहीं रहा कि मैं बस स्टेशन के अंदर हूँ, लग रहा है जैसे मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ। आप ऐसा देखो, ऐसा यहाँ पे लुक एंड फील आ रहा है। और काफ़ी सारी यहाँ सर्विसेज हैं, शॉवर रूम है, बार्बर का है, बाल कटवा सकते हो, शॉवर ले सकते हो, प्रेयर रूम है, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फ़ोन रिचार्ज करा सकते हो, ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज यहाँ पर हैं। काफ़ी बड़ा ये स्टेशन है और यहाँ पर काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स भी हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ईरान में कई टाइप की बसेस चलती हैं, ऑर्डिनरी चलती है, सेमी वीआईपी, सुपर वीआईपी, कई अलग अलग कैटेगरी की है। तो अभी तक आई डोंट नो मैं वीआईपी बस में था कि सेमी वीआईपी था, मेरे को नहीं पता। बट आज जब मैं यहाँ पर टिकट लेने आया ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारी कंपनीज़ हैं, आई थिंक 7 या 8 अलग अलग कंपनीज होगी, सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग बसेस मेरे को मिल रही थी, ऑर्डिनरी बस मिल रही थी लगभग 4 लाख रियाल के आसपास, जो कि 100 रुपये के आसपास हो गया। तो मैंने लग्जरी बस ली है 7.5 लाख रियाल का, 300 किलोमीटर का लगभग 200 रुपये, वो भी लग्जरी बस। मैं डोंट नो बस कैसे होगी, जाकर पता चलेगा, लेकिन सबसे महंगी बस है वो भी 200 रुपये की है। अभी मेरे को अबाउट 45 मिनट यहाँ वेट करना पड़ेगा। हिंदुस्तान। तो यार यहाँ पे एक शॉप है स्वीट्स की, यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेडिशनल स्वीट्स मिल रही है। तो मेरे को सिटी में टाइम मिला नहीं कुछ लेने के लिए, मैं ट्राई करता हूँ कि होस्ट के यहाँ खाली अपना कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो मैंने अभी ये सोहन का बॉक्स लिया है, सही लगता है यार कुछ लेके जाओ। इस बस स्टेशन में बाकी सब कुछ तो ठीक है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, बट बार्बर शॉप, सलून, ये थोड़ा अजीब लगा। बस स्टेशन के मेन बिल्डिंग के अंदर बार्बर शॉप, कहीं जा रहे हो तो बाल कटवा के जाओ। तो देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स हैं, स्वीट्स की है और ग्रोसरीज की है, कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं। अभी मैं एक रेस्टोरेंट के किचन में आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को सुबह टाइम मिला नहीं कुछ खाने का, तो यहाँ पे बहुत कुछ खाने को मिल नहीं रहा, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अभी काफ़ी सारी कैफे रेस्टोरेंट बंद है। तो मैं तो अरे टमाटर, तो मैंने बोला अनियन ऐड कर दो, अनियन को शायद प्याज बोलते हैं, अनियन प्याज, प्याज ओ सेम प्याज, ओके ये नहीं पता था। प्याज प्याज गुड खूब। मन इज हिंदी हिंद, सलमान खान लवाश, यस लवाश। तो ये आर्मेनियन ब्रेड है, ईरान में काफ़ी खाई जाती है लवाश। शायद मैं आप लोगों को रशिया की वीडियो में बताया था, काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ की ब्रेड होती है, समझ लो यहाँ से लेकर ज़मीन तक इसे काट काट के छोटी कर दिया जाता है, तो लवाश है। पूरे ईरान में आपको हर जगह मिलेगी प्याज। प्याज तो प्याज को फ्राई करके पहले से रखा हुआ है, तो ऊपर से डाल रहे हैं। भाई ये क्या है, दुकान के अंदर लिफ्ट लगी हुई है। ओह खेली खूब, खेली ममनून। और अपना नाश्ता आ गया ये, अच्छा प्याज अलग से इन्होंने काट के दे दिया है, ऑमलेट है ये, लवाश है। मैंने ईरान में कई जगह नोटिस किया, यहाँ पे एग स्क्रैम्बल को ऑमलेट बोलते हैं। और इतनी बड़ी थाली दे दी, देख रहे हो, बट इज रियली टेस्टी। बहुत ईरान में तो अल्कोहल बैंड है, तो ओपनली अल्कोहल नहीं मिलता है, बाकी अब मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे ड्रिंक्स है, कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ बेवरेजेस है, तो सब में लिखा हुआ है या तो 0% अल्कोहल या तो लिखा हुआ है नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। ये कुछ मिक्स फ्रूट का कुछ बेवरेज है, 0% अल्कोहल लिखा हुआ है यहाँ पे। ये भी कुछ अलग टाइप का फ्रूट का बेवरेज है, इस पर लिखा हुआ है नॉन अल्कोहलिक माल्ट बेवरेज। और इसके अलावा यहाँ पे पेप्सी, फेंटा, कोको कोला सब कुछ मिलता है, जो कि ईरान में ही प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए फारसी में भी लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। तो ये लिया हूँ यार नॉन अल्कोहलिक माल्ट बेवरेज। तो यार अपनी ये बस है, बस तो बुरी फुल है भाई, कहीं जगह ही नहीं दिख रहा यार। जितना लग्जरी सोचा था उतनी लग्जरी बस तो नहीं है, बट आराम से सोते हुए जाऊँगा, लगभग 4 घंटे लगेंगे, 4 से 5 घंटे अपने डेस्टिनेशन पहुँचने में। तो सारी सीट रिक्लाइनिंग है, ऑलमोस्ट बेड टाइप की सीट बन जाती है। बाहर का लैंडस्केप एकदम ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है, अब पूरा लैंडस्केप डेजर्ट का हो चुका है, सारी रोड, सारे घर, सारे टाउन, सारे विलेज, सब कुछ जो कुछ भी है पूरा डेजर्ट पे है, हर जगह सैंडी सैंड। देखिए बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है हर जगह का, रोड के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सैंड एंड डेजर्ट, और उसके पीछे बड़े बड़े माउंटेन्स। अपाचे, इंडिया, इंडिया। ईरान के एक छोटे से टाउन में भी इंडिया की टीवीएस अपाचे। तो गाइस आप लोगों का स्वागत है एक छोटे से डेजर्ट टाउन में, जिसका नाम है मेबोध।
बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली जो मेरी मेन डेस्टिनेशन थी वो थी यास्त, जहाँ मैं जाने वाला था, लेकिन मैं यास्त नहीं किया हूँ, मैं यास्त से 50 किलोमीटर पहले उतर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी ने मेरे को इन्वाइट किया हुआ है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर मैं एक या दो दिन रुकूँगा, उसके बाद मैं यास्त जाऊँगा जो मेरी मेन डेस्टिनेशन है, जो मेन सिटी सेंटर के ईरान में। तो ये कोई स्क्वायर है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा ईरान का फ्लैग लगा हुआ है, तो मेरे होस्ट ने बोला था आप यहाँ पर उतर जाना, तो मैं यहाँ उतर गया हूँ, वो मेरे को यहाँ पर लेने आएंगे। तो ये मेरे होस्ट आ गए। मोहम्मद, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? सो मोहम्मद, हाउ आर यू? आई फाइन। तो ये मेरे होस्ट हैं मेवात में, मेबूत। इन्होंने मेरे को इनवाइट किया था यहाँ पे। सो दिस ऑल टाउन इज मेबूत। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन, बैंक सिद्धार्थ ईरान। तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे घर मठ से बने हुए हैं। यहाँ तो मेरे को बहुत ही अलग टाइप का फीलिंग आ रहा है, बड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है यहाँ पे मेरे को। कुछ घर नए भी हैं, कुछ घर पुराने भी हैं। दिस फॉर यू। सोहन। तो गाइस, अपने होस्ट से घर आ चुका हूँ मेबूत में, बहुत ही बड़ा, मतलब कि एक छोटे से डेजर्ट टाउन में, जहाँ पर ज़्यादातर घर मट के हैं, सैंड के हैं, तो उनमें से इनका यह ऐसा घर है, बहुत ही लग्जरियस टाइप का घर है, काफ़ी बड़ा घर है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा ये इनका हॉल है, और पूरा ईरानियन कारपेट, इधर किचन, इधर कई सारे रूम हैं। होम खूब खूब। और जो मेरे होस्ट हैं उनकी वाइफ, दोनों को इंग्लिश नहीं आती है, बहुत ही कम आती है, तो ज़्यादातर बात गूगल ट्रांसलेट से ही हो रही है। तो यार, पर्शियन लोगों की हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट लेवल, कोई इनका तोड़ ही नहीं है। मैं घर पे आया, बस 5-10 मिनट बैठा ही था, इन्होंने मेरे लिए लंच लगा दिया है। देख सकते हो ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, बॉयल वेजिटेबल, ये सेफ्रॉन राइस है, सैलड है और कोल्ड ड्रिंक है। ये मेरे को नहीं पता कुछ, ये नॉनवेज है एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, साथ में कर्ड है ये। एंड व्हाट इज नेम? एस्मा फैसनजुन। फैसनजुन, यस। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। खेली खेली ममनून, खेली ममनून। जो मेरे होस्ट है मोहम्मद, ये पहली बार किसी को होस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने तो मेरे को ज़बरदस्ती कम कम बोल के बहुत ही ज़्यादा खाना खिला दिया। हिंदी में भी कम होता है और पर्शियन लैंग्वेज में भी कम होता है, कम कम समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, पूरा पेट फुल हो चुका है। फिर अब ये फ्रूट ला कर रख दिए हैं, और ये ट्रेडिशनल स्वीट है, पर्शियन स्वीट या ईरानियन स्वीट जो भी आप बोलिए, तो भाई खा तो नहीं पाऊंगा, इन्होंने ला कर रख तो दिया है। और इन्होंने मेरे को ये पर्सनल रूम दे दिया है, इससे बेटर, इससे ब्यूटीफुल, इससे अच्छा रूम क्या ही हो सकता है। मैं शायद यहाँ पे 2 दिन और 2 रात रुकने वाला हूँ। आप रूम देखो, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम है। काफ़ी बड़ी यहाँ पे LED TV लगी हुई है। कर्टन्स देखो, कितने प्यारे कर्टन्स हैं यहाँ पे। और ये गैस की पाइपलाइन जो आपको ईरान में हर घर में मिलेगी, जिसके थ्रू ये रूम हीटर चलता है। और ये मेरा बेड, मैं यहाँ पे सोऊंगा। और सोफ़ा देखो, सब कुछ बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। डोर का कलर देखो, मार्बल्स देखो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है इस रूम में। तो गाइज, अभी रात के 10 बज रहे हैं, और मेरे होस्ट मोहम्मद एंड फातिमा मेरे को मेबूत के ओल्ड टाउन में लेके आए हुए हैं। बहुत ही अलग टाइप का ओल्ड टाउन है, इस टाइप का ओल्ड टाउन मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा है। नेम एस्म, एस्म कुछ है टॉप टॉप। ओके, तो देख सकते हो पूरा ये ओल्ड टाउन मठ से बना हुआ है, पूरा ये मिट्टी से बना हुआ है। इवन आवाज़ भी आ रही है हिंदवाने पे, और आसपास कोई भी नहीं है, थोड़े बहुत लोग शायद रहते हैं, बाकी बंद पड़ा हुआ है। और लाइटनिंग बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है हर जगह, मतलब इतना पुराना ये एंशियंट ओल्ड टाउन है, हर जगह इसको मॉडर्न लाइटनिंग से बना दिया गया है, तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है हर जगह का यहाँ पे। कहीं कहीं पर इस टाइप की कलरफुल लाइट्स भी इस पर लगी हुई हैं, जो भी अपने आप में बहुत ही अलग व्यू दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये एंशियंट ओल्ड टाउन है, और हम लोग लगभग यहाँ पर आधे घंटे से वॉक कर रहे हैं। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा पूरा ओल्ड टाउन मठ से बना हुआ हो भी सकता है,
और नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है, पूरी ऊपर लाइट्स, नीचे लाइट छोटी छोटी, वेरी ब्यूटीफुल, खेली खूब, हर डायरेक्शन में हर जगह नैरो नैरो एलीज है यहाँ पे। अगर आप अकेले आओगे जो जानते नहीं होगे, आई थिंक खो जाओगे, देख रहे हो उधर एक एली, उधर एक एली, इधर एक अलग एली, इसके अंदर जाओगे तो अलग से कई सारी एलीज आ जाएंगी, इधर अलग अलग एलीज है, हर जगह एलीज ही एलीज, पतले पतले नैरो लेन्स। हाँ, फॉर मैन, फॉर मैन, फॉर वूमेन, फॉर वूमेन, ओ ओ डिफरेंट साउंड, पूरे जो ओल्ड टाउन है, बहुत सारे गेट्स हैं यहाँ पे और हर गेट पे दो या तीन स्ट्राइप का नॉक करने का लगा हुआ है, तो ये मैन लुक का है, तो अलग आवाज है इसकी, अलग आवाज है, देख रहे हो, तो जो भी नॉक करेगा मैन या वुमेन, तो अंदर जो भी होगा पता चल जाएगा उसको कि कौन आ रहा है। इसके बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन फाइनली आज देख भी रहा हूँ यहाँ पे, और इस टाइप की चीज याजद और उसके आसपास के एरिया में ही आपको मिलेंगी, मैं भी शायद और जगह भी होती हूँ, लेकिन इसके बारे में मैंने यहाँ के बारे में सुना था काफी। मशीन, यस 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 यस, पता नहीं मैंने पहले बताया कि नहीं, ईरान में कार को पर्शियन लैंग्वेज में मशीन बोलते हैं। ओ, विंड कैचर। और हाँ, एक चीज और मैं शायद बताना भूल गया, मेरा प्रोविंस फिर से चेंज हो चुका है। मैं इससे पहले इस्फहान प्रोविंस में था, कशान और इस्फहान सिटी इस्फहान प्रोविंस में आता था, अब मैं आ चुका हूँ याजद प्रोविंस में, याजद प्रोविंस, याजद प्रोविंस, तो मैं याजद प्रोविंस में आ चुका हूँ। पूरा ये प्रोविंस डेजर्ट में लोकेटेड है, तो यहाँ पर गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, तो यहाँ की बहुत सारे घरों में, आई डोंट नो नए घरों में होता कि नहीं, बट पुराने जो एंशियंट घर है यहाँ पे, हर घर में विंड कैचर लगे हुए हैं, वो हेल्प करते हैं गर्मियों में घरों को ठंडा करने के लिए। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये लंबा सा मीनार टाइप का, ये विंड कैचर होता है, इस एरिया की, इस प्रोविंस की स्पेशलिटी है ये विंड कैचर। हम लोग की मशीन यहीं कहीं खड़ी है, वहाँ खड़ी हम लोग की मशीन, मशीन अवर मशीन। एक्चुअली ये जो जगह में वो मेरे प्लान में नहीं था, मेरे आइटनरी में नहीं था, तो अलग से ऐड हो गया है। द नाइट इज क्लोज मेनी प्लेसेस, तो मेरे होस्ट बोल रहे हैं कि रात हो चुकी है, लगभग 11 बजने वाले हैं और मैक्सिमम जगह बंद हो चुकी है, तो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे, तो कल ही देखेंगे। और यार ये जो मेबो टाउन है ना, मेरे को काफ़ी सही लग रहा है, इस टाउन की हिस्ट्री प्री इस्लामिक एरा से भी पहले की हिस्ट्री इस टाउन की, और इस पूरे टाउन की पॉपुलेशन सिर्फ 80,000 है, फिर भी काफ़ी सही डेवलप हो चुका है, रोड्स वगैरह और सब कुछ, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी परफेक्ट कंडीशन में आप देख सकते हो।